एसएफ, पैरा एसएफ और रॉ ने मुझे बुलाया, आना ही पड़ा मेरे को। अच्छा बता देगा कि भर्ती कहाँ निकल रही है सर, मेरे वो मेडिकल इश्यूज हैं, या कुछ ऐसा चाहते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सो दैट्स अभिनंदन पंडा, फाउंडर गियर स्मिथ, ये हैंडल करता है स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया का पेज। यस, ये हैंडल करता है, करेक्ट। और हम दोनों ही वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो रिकमेंडेशन सजेशंस। आप लोग जो भी सजेशन देना चाहते हैं पेज में, या कुछ ऐसा चाहते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं हम बता सकें, आप लोग रिक्रूटमेंट वाले क्वेश्चन हमसे ना पूछें। रिक्रूटमेंट वाला क्वेश्चन गूगल आपको ज्यादा अच्छा बता देगा कि भर्ती कहाँ निकल रही है, सर मेरे वो मेडिकल इश्यूज हैं, तो क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। मैं तो एक बार में सिलेक्ट हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं कि क्या क्या करने से सिलेक्ट नहीं हो सकता आदमी, है ना। लॉट्स ऑफ नर्व लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट से तो मुझे वैसे भी बहुत सारा लव मिलता था, गुड गुड प्लेस। आपके वो बियर बाइसेप्स वाले वीडियो में भी बहुत नॉर्थ ईस्ट लव मिला है। नॉर्थ ईस्ट, हाँ मतलब इट वाज गुड दैट वो टॉपिक निकल के आया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, करेक्ट। मेनस्ट्रीम में आई नहीं पाता था, कभी बातचीत हो ही नहीं पाती थी। आबरा का डाबरा, हाय हाय गर्जी, तू भी कुछ नहीं कर रहा, फ्री बैठा हुआ है इसका मतलब। सो लेट्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम, हाय हाय करण, करण आर यू फ्री, आई विल गेट यू ऑन द पेज, टेल मी इफ यू आर फ्री। You're looking handsome. Oh, thank you. Hi, hi, Abhinav. Arre, we forgot to add. Sorry, Akash. Akash also handles SFOI. Kar, if you can invite him, or only I can invite. Nee, nee. Abhi to filal wo hai nahi. Karan bol raha hai, he's free. So let me add Karan. Wait. Let me add Karan Mitra, the gun freak. Just wait. मैं थोड़ा टेक्निकली हैंडीकैप हूँ ना। ऐड शायद आप ही कर सकते हैं। भेज दिया मैंने। सर आर पीपल स्टिल गिविंग यू ग्रीफ अबाउट व्हेन यू सेड दैट इंडिया डज नॉट हैव स्नाइपर्स। अरे लोगों को तो यार, अरे हाँ जी पैरा एसएफ, पैरा एसएफ और रॉ ने मुझे बुलाया, आना ही पड़ा मेरे को। अभिनंदन कहता है कि मैं हिंदी नहीं बोलता, तो आज मैं बोला कि मैं हिंदी में ही बात करूंगा। गुड टू सी यू, गुड टू सी बोथ ऑफ यू। ग्रेट। हाँ भाई, आप लोग आ रहे हो यूएस, आ रहे हो आप लोग कि नहीं? 3 महीने हैं अभी यूएस, तो अभी दिल्ली तो दूर है अभी। खैर, द नेक्स्ट थिंग इज अहमदाबाद, गांधीनगर में है ना वेपन। हाँ, I'm coming. So, I'll be there, we'll be there 18th. Definitely. I have a few, मेरी कुछ business meetings हैं वहाँ पे। मैं 18th से 21st आऊँगा वहाँ पे, 22nd I go back. So I will not be there for the public days, but I'll be there for the general visitor days. अगर आप दोनों में से किसी को pass वास चाहिए, let me know, I'll get you guys in. मैं तो वहीं रहूँगा ना, I'll meet you, Karan. Perfect. And Abhinandan, finally, मैं हमेशा बोलता था Perfect. I'll see you. अभिनंदन को मैं बोलता था अभिनंदन बोल नहीं सकता, ये तुषार, ये गोलमाल का तुषार कपूर है, क्योंकि जब भी देखो इसको फोन करो तो फोन काटता ही है, लेकिन मैसेज करता रहता है। भाई वो बिजी हस्ती है, इतना बड़ा पेज चलाता है। ऑफ कोर्स अभिनंदन, डोंट यूज 2 megapixel कैमरा। हाँ, ये बात भी सही है। अरे मेरा ये दोस्त है, ये कॉलेज में। एनीवे गाइस, और बताओ, व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इज इट गोइंग? बाकी मैंने सोचा कि इतने दिन लाइव नहीं किया है। बिना दुश्मन को बंदूक दिखाए गोली कैसे चलाते हैं हम लोग, है ना। So yeah, it's going good. After Defense Expo, we'll be Short Show. Then Short Show, maybe we'll get to shoot a lot of stuff. If you guys can come, it'll be fun. When is the Defense Expo? March.
नहीं नहीं डिफेंस एक्सपो तो अभी है 18th टू अक्टूबर ही नहीं हाँ 18th टू 20 21st 18th टू इट्स एक्चुअली फ्रॉम 18th टू 22nd और 23rd बट 18th टू 21st इज़ द बिजनेस थिंग ओके सो लेट मी आंसर टू दिस गाय ना रुद्र शाह व्हाट्स द क्रेज ऑफ गोइंग फॉर स्मार्ट वॉच देखो स्मार्ट वॉच डिपेंड्स कि आपका सैमसंग वाला स्मार्ट वॉच है एप्पल वाला है या गार्मिन वाला इफ इट्स गार्मिन भाई एवरीथिंग इज जस्टिफाइड यू कैन डू नेविगेशन यू कैन कैलकुलेट योर हाई ऑल्टीट्यूड रिलीज पॉइंट्स यू कैन आप अपना स्लीप ट्रैक कर सकते हैं SPO2 देख सकते हैं यू नेम अ थिंग एंड यू कैन डू इट इन दिस वॉच जो आपका रेगुलर मड मास्टर या कैसियो का जो प्रोट्रेक है जो मेरे पास है दो वर्जन है वो नहीं कर सकता एंड द बैटरी इज अराउंड 20 डेज एक बार चार्ज करके यू कैन यू नो रन इट फॉर 20 डेज तो आई मीन वेयर इज द डाउट हर चीज कर सकती है घड़ी अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो ठीक है एप्पल आई वॉच एप्पल का जो भी वॉच है और सैमसंग वाला इट्स फाइन बट अगर आपको हार्डकोर वॉच चाहिए तो गार्मिन या सुंटो एनीथिंग सो अभी करण विल टेल यू व्हाट वॉच ही प्रेफर्स व्हाइल फायरिंग नो नो फर्स्ट फर्स्ट एक बात बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं करण को ही पूछते ही मुझे कि कैसे मतलब स्टार्ट करें करण जो करियर जो कर रहा है वो कैसे करें वेपन्स इंडस्ट्री में कैसे घुसना है वो बताओ करण प्लीज ओके मैं मेरे को भी ना बहुत सवाल आते हैं ये और मैं ना थोड़ा भाव खाता हूँ लड़की की तरह तो लेकिन आज मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको सबसे पहले आप एक बुल्गेरियन लड़की को पटाओ क्योंकि मेरा भी जो बंदूकों का जो चक्कर है वो यहीं से शुरू हुआ था पहले मेरे को यू नो जस्ट लाइक जैसे आप सब लोग हो आप सब लोग को गन्स का बहुत शौक है सो मेरे को भी था एंड आई डिडंट नो हाउ टू स्टार्ट कैसे करते हैं तो मैं उस वक्त कोरिया में रहता था सियोल में तो वहाँ पे आई हैड अ बुल्गेरियन गर्लफ्रेंड उसका बाप जो था हर फादर वॉज क्वाइट हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर बैक इन हिज कंट्री तो मैं जब उसके कंट्री गया बुल्गेरिया तो मैंने उसके फादर को बोला कि मुझे शूट करना है पुलिस वालों के पास ज्यादा बंदूकें होती नहीं है जस्ट द बेसिक असॉल्ट राइफल्स पिस्टल्स स्नाइपर्स एक्सेट्रा सो ही सेड वी विल टेक यू टू अ पुलिस फैसिलिटी एंड यू शूट ऑल व्हाटएवर यू कैन सो दे गेव मी अ बुल्गेरियन वर्जन ऑफ दैट AKM तो उसको मैंने जब फुली ऑटोमेटिक में चलाया आई मेड अ बिग फूल आउट ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई कुडंट कंट्रोल एंड आई वॉज डांसिंग लाइक माधुरी दीक्षित लिटरली जेट एवेज की तरह उड़ रहा था एंड आई कुडंट कंट्रोल इट सो एवरीबडी वॉज लाफिंग एंड देन दे सेड मैन यू नीड ट्रेनिंग सो दैट बींग सेड आई सेड ओके वेल फेयर एनफ आई वुड वॉन्ट गो फॉर ट्रेनिंग सो आई स्टार्टेड टू ट्रेन इन बुल्गेरिया सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड देन उसके बाद देन मैंने एक वो FPS रशिया देखा था मैंने एंड देन मेरी वाइफ भी रशियन है तो फिर मैंने बोला कि यार ये FPS रशिया है आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम बट आई विल डिफीट हिम वन डे विद द नंबर ऑफ गन्स दैट ही फायर्स सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू फ्लाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड आई स्टार्टेड टू शूट एंड इस बीच आई स्टार्टेड टू गो टू ट्रेन इन इजराइल एवरी ईयर फॉर माय मिलिट्री सर्विस आई हैव फैमिली आल्सो इन इजराइल फ्रॉम माय वाइफ साइड सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड आई स्टार्टेड टू ट्रेन इन सर्बिया सो ये मेरा ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा सो वेयर I made a lot of connections and, you know, I started. And then I made this passion as a business. So, yeah, it's been going on. It's good to stay with guns. And I value my followers, you know. So, whatever happens, main jahan par bhi hota hun, if somebody is already there and if he messages me, says that, hey, I'm here, can you hook me up for shooting? For me, it's quite easy to hook you guys up. India mein ye possible nahi hai, kyunki India mein everything Obviously. Is controlled by the government. बट अगर आप जैसे बाहर होते हो अगर आप जैसे बाहर होते हो एंड इफ यू गाइस आई एम देयर एंड जस्ट मैसेज मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस कम ओवर टू शूट एंड वी विल हैव फन ये तो बताओ कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता नथिंग कम्स फ्री ये तो बताओ यस इट्स वेरी कॉस्टली गाइस इट्स वेरी कॉस्टली हां नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए I'm good not you I mean but, obviously the training institute or the place where the individual is supposed to go and get some quality training nothing comes free that is to be understood okay the place where I go to in Israel they teach you these typical special forces Israeli tactics I go there annually average training over there for around a 15 day course is around $35,000 which of course can be up and down so say $35,000 then and if you're coming from India the Ministry of Home Affairs in India doesn't allow civilians to learn tactical training
सो इफ यू आर इंडियन सिटीजन होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी. I know a few people who come there. Shifuji Shorya Bhardwaj, he comes there a lot to train, and he has some clearance. Then uske baad, I even heard Tiger Shroff went there for one of his Baghi series training or whatever. And permission mil jati hai, but it's a long process. Then if you go to Russia to train, or if you go to Serbia, then in that case it's a bit cheaper. But once again, the paperwork remains the same. So usmein they teach you a lot of stuff, tactical shooting, tactical training, they teach you room intervention, anti-kidnapping, Krav Maga, then they teach you anti-hostage, third party protection, third party consideration, then just they teach you grenades. Yeah. Anyway, aur bata boss. Good to see you, Abhinav. Finally, yes. All well? Finally. So we have been in contact since last 3 years, right? Correct. Right. भाई लड़की को टेलीफोन पे लाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना तेरे को लग गया, 4 साल लग गए. true मतलब I'm a hermit crab. अच्छा है. और शिफू जी के साथ बताओ ट्रेनिंग करण, did you reach the top of levels or not? अरे नहीं शिफू जी आता है वहां पे, यस, पर वो मैं उसे कभी मिला नहीं हूं. He never came when I was there, but yes, uski maine kahaniyan bahut suni hai. Wo wahan ke keh raha tha un logo ke I'm the best commando trainer in India. I did this, I did that, I trained a lot of army. So I mean, if he, I said fair enough, if he's done that, then I'm also Shahrukh Khan, you know. But so Shifuji ne unko kuch sikhaya ki nahi unarmed combat? Karan sir, how you set girls? I don't know why this question, but Karan sir, how you set girls? So the answer is मुझे अविनाश ने सिखाया. अरे भैया, I am a happily married guy. Karan is one of his kind, you know, the number of countries he has visited, जितने देश का, जितने घाट का इसने पानी पिया है, और you know, और क्या-क्या पिया है, you know, beer and XYZ and whatever. तो Karan is एक चीज और how I get access to these things is, one more thing is, because मेरे जो father-in-law है, he still works as a high-ranking officer in the Russian Ministry of Defense. He's ex Russian Navy, so that helps me a lot when I go to Russia. But of course, there are a lot of shooting ranges, and then of course you need a lot of connections, and then of course it's through work. So it's a combination of everything. Yeah. So yeah, you guys should try training in Israel. The tactics are amazing. Of course, I'm always open to learning more and more. So that's why I'm roping in Avinash. मैं किसी भी तरीके से अविनाश को बहला के पुछला के लेके आ रहा हूँ, so that he can teach me what the Indians do. And Indian military is very well respected abroad, that is for sure. In fact, lot of these militaries, they come and train with India, because Indian military is quite crude, and that's how it should be. The basics, for example, Taliban, if you ask me, they are very good fighters. So on the other hand, if you compare it with these American soldiers, they rely too much on technology. So if your base is not there, technology, and then your gun, you know, your gun falls from a height of 4 meters, the GPS is kaput now, or your iron sight, or your sights is all gone now, so how are you going to fight? So that is when so Indian military is very well respected, you know. Even if they get third all bullshit equipment, they are still able to do the job. So true. I really want to Avinash, you're going to teach me. I'll teach you anything and everything that I know, provided we have definitely time. Obviously, I'm all open to, you know, dispense what I have and learn whatever new I can. So it's both ways. Definitely. Chalo guys, I'm so happy finally we caught up. Anything else for me?
and see, it was unplanned. That is why we caught up. Unplanned. See, exactly. Law of attraction, brother. Law of attraction. When you chase some, instant. Absolutely. Law of attraction. Law of attraction. When you chase something, you don't get it. So same thing goes with the girls, guys. You chase it, it's not going to happen. You know, just visualize. Just visualize. Sit down. Visualize. Get yourself in that frequency. That man. I'm in the pool with three women around me, and probably you'll attract it. Okay, guys. So take care. And okay, Karan. Nice meeting. So take care. Proper take care. Definitely. Karan, guys, save your questions. I'm getting a lot of questions. So save everything about these guns and whatever you need to ask me. How to shoot? Sure. How can civilians in India shoot? I would be very happy to answer. Once again, civilians in India, it's very difficult because there is no shooting range as such. And Defense Expo, when we came to Lucknow, I came from like one company, Hughes Precision. So then they had some particular clearance from the army in the army cantonment in Lucknow. But once again, it was heavily restricted to only those people who are with the company. So you couldn't bring any outsiders. It's not that easy because it's in an army range. But I don't know how it's going to be in Gujarat this time. So because they're going to be launching a few new guns. So I'll be there for the firing. So let's see how it goes. Okay, okay. Look forward to you in Gandhinagar. Chalo, bye-bye. Bye-bye. Hi, Devansh. I believe you're in US now. I don't know how you matching up the time. Anyways, I'll answer this question on uniform. किसी ने पूछा था डीपी कुंडू यूनिफॉर्म का मैंने पहले भी बताया है एक तो इंडियन आर्मी जितनी वैरिड टेरेन में ऑपरेट करती है हर जगह का टेरेन इम्प्लीकेशंस अलग है एज एन टेरेन फीचर्स अलग हैं मिट्टी का रंग अलग है पेड़ों का रंग अलग है कितने ग्रीन लीव्स हैं कितने महीने तक वो लीव्स ग्रीन रहते हैं वो साइकिल अलग है बर्फ कब पड़ती है ट्री लाइन कहाँ तक है तो बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स हैं सो एक यूनिफॉर्म क्या हर जगह यूज किया जा सकता है मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता और वो भी जो यूनिफॉर्म अभी बना है आई सिंसियरली डाउट कि उस पर एनफ रिसर्च किया गया है अगर आप अच्छे कंट्रीज के यूनिफॉर्म्स देखें जर्मन फ्लेक्टान पैटर्न देखें या एस्टोनिया लिथुएनिया उन कंट्रीज के अगर आप पैटर्न्स को अच्छे से स्टडी करें एक कंपनी है हाइपर स्टेल्थ कैनेडियन कंपनी वो एआई का यूज करके फॉलिएज को कंसिडरेशन मतलब पेड़ पौधों के रंग और साइकिल सीजनल साइकिल को कंसिडर करके कॉम्बैट पैटर्न डेवलप करती है तो उतनी प्रोफिशिएंसी आई डोंट थिंक हमारे अंदर है ना हमने कभी कोशिश की है तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं है हम अभी वहां नहीं है जहां होना चाहिए हमें अभिषेक जोशी यस आई विल बी इन गांधीनगर 99% बाकी देखेंगे प्रत्युष इंजरी इन प्रोबेशन में तो यार क्या बताऊं मतलब मेरे को राइट नी में इंजरी हो गई थी पहले प्रोबेशन में बाकी उसके बाद आई हैड प्रॉब्लम इन माय स्पाइन आल्सो बट फिर मैंने स्टेम सेल इंजेक्शन लिए फिजियोथेरेपी की किसी के गाइडेंस में बहुत ज्यादा नहीं मेरे को एक बार एक्सरसाइज समझ में आ गया फिर मैं उसको खुद करने लगा बैंड एक्सरसाइज करने लगा बेयरफुट रनिंग करने लगा हाय हाय रणबीर नाइस सीइंग यू बियर बाइसेप्स इज सो आई डोंट नो वेदर आई कैन कॉल हिम विल ही बी कंफर्टेबल सो लेट्स लीव इट ही इज अ बिजी मैन ऑब्वियसली सो That is how I have come and injury ka dhyan rakha ja sakta hai. Agar aap sahi khana khayein, sahi tarike se stretching karein, isometric strengthening karein, ho sakta hai. Dr. Kritika, good evening ma'am, long time. How to train like a SF? Aray, SF guy ki training koi matlab out duniya ke bahar ki training nahi hoti. Normal training hoti hai, but wo continuous hoti hai. Aap har din kuch na kuch kariye. Kaam kariye, वजन उठाइए पुलअप्स करिए सिटअप्स करिए लंजेस करिए स्क्वाट्स करिए गेम खेलिए गेम खेलने से अच्छा एक्सरसाइज कोई नहीं है दौड़िए जैसे आपके एंसेस्टर्स दौड़ते थे शिकार करने के लिए एंड आई थिंक यू विल बी ओके टाइम पे सोइए मोस्ट इम्पोर्टेंटली 10 o'clock यू शुड बी ऑन योर बेड
unless and until you are preparing for some competitive exams jisme aapko bahut hi zyada effort karna, I don't see matlab aap kyun nahi sona chahenge. Hi Hari, hi also Avinash, can you clear some of the misconceptions that that was in the comment sections in your bare biceps video, if you can. पहली बात तो people should understand कि bare biceps में edited version आता है. हमारा conversation बहुत लंबा चलता है. उसके बाद they cannot post the complete thing. उसका जो gist होता है वो उसको edit करके post करते हैं. तो problem ये है कि ना internet पे and it is everywhere across the world. लोगों को इतनी knowledge होती है book पढ़ के और वो फिर चतुर्लिंगम बनना चाहते हैं, आई नो इट ऑल. जैसे पिछले बार, हाय हरी, थैंक यू जैसे पिछले बार स्नाइपर का कोई क्वेश्चन था एंड लोग ज्ञान देने लगे, 50 कैल है ये, भैया आई नो 50 कैल है, आई नो कौन सा वेपन सिस्टम है हमारी कंट्री में, आई हैव सर्वड इन स्पेशल फोर्सेस फॉर 9 इयर्स, आई नो कि अभी क्या आने वाला है. इन सब चीजों को जान समझ कर मैं कोई कमेंट पास करता हूँ अगर बोलता हूँ तो. सिमिलरली असॉल्ट राइफल, वो बियर बाइसेप्स पे मेरा एक एसेंस उठाया गया था जिसमें मैंने AK-47 की तारीफ की है. एक्चुअली मैंने अपने पूरे ऑपरेशनल टेन्योर में M4 ही कैरी किया है, M4 Alpha 1. AK-47 बहुत लिमिटेड जगहों पे कैरी किया है क्योंकि उसकी मॉड्युलैरिटी नहीं है. हमारे वाले AK-47, हमारे पास पिकट नहीं, रेल्स नहीं है जिसमें आप डे साइड, लाइट, नाइट साइड, NPQ जो आपका IR इल्यूमिनेटर है, नीचे का जो ग्रिप है, असॉल्ट ग्रिप, वो सब अटैचमेंट नहीं लगा सकते. सर, I would like to add one thing here. अभी इसका काउंटर लोग बोले कि नहीं, हमने फोटो में देखा है कि बहुत सारे स्कोप्स लगे. गाइस, वो बहुत लिमिटेड नंबर में है. आपको जो लग रहा है कि बहुत सबके पास है, इट इज नॉट, सबके पास नहीं है. सो आप ये समझने की कोशिश करिए, कोई वेपन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ना M4, ना टबोर, ना G3, ना FN स्कार, ना AK-47. हर वेपन का अपने टाइम एंड स्पेस में यूटिलिटी होता है. अभी 6716, अगर आप उसका वेपन का साइज देखें, उसका रिकॉइल देखें, क्योंकि वो इतना पावरफुल एमिनेशन फायर कर रहा है, उसका इफेक्टिव रेंज लोग बोल रहे हैं या कंपनी बोलती है 600 मीटर है, बट क्या आप 600 मीटर पर टारगेट हिट कर सकते हैं? 300 मीटर पर टारगेट हिट नहीं होता ओपन साइड. 300 मीटर पे लाइंग पोजिशन में सबसे स्टेबल पोजिशन है टारगेट, फिगर 11 टारगेट जो ह्यूमन बींग के साइज का होता है, 300 मीटर पे टारगेट हिट नहीं होता जब वो टारगेट मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि टारगेट का साइज फोर साइड टिप से छोटा हो जाता है. जब आप अलाइन करते हैं रियर साइड अपर्चर होल और फोर साइड टिप को, तो टारगेट फोर साइड टिप से छोटा हो जाता है, तो इट इज दैट डिफिकल्ट. सो इवन इफ द वेपन इज केपेबल टू फायर एट 600 मीटर, आप देख ही नहीं पाएंगे. और आपके पास फर्स्ट लाइन एम्युनिशन का कॉन्सेप्ट होता है जो लोगों को नहीं पता, आपके पास लिमिटेड एम्युनिशन होता है, फिर पहला ऑन वेपन होता है, फिर फर्स्ट लाइन होता है, फिर सेकंड लाइन. तो एम्युनिशन इज अ स्कार्सिटी लड़ाई में. आप ऐसा नहीं फिल्मों में और गेम में, जैसे मैं गेम खेलता हूँ और अनलिमिटेड एम्युनिशन है, आप बस फायर किए जाओ और कहीं भी एक कैशे मिल गया, एम्युनिशन भर लिया, ऐसा नहीं होता लड़ाई में, चाहे वो CI हो चाहे कन्वेंशनल हो. तो थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर लेते हैं लोग इंटरनेट पे, गेम से, विच इज गुड बाय द वे, इट इज गुड. बट उस पे फिर उसके ब्याह पे फिर एक्सपर्ट बनने लग जाते हैं कि अरे यार उसको तो नहीं पता, वो तो उसने तो लिमिटेड वो देखा हुआ है, उसको तो वो नहीं पता. तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आप अपना अपनी जो ओरिजिनलिटी है दुनिया को बताते हैं कि कितने नॉलेजेबल आप हैं या नहीं है, या आप अननेसेसरली वोक बनने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपने सर्व किया हुआ है तो आप में ह्यूमिलिटी होगी, आप हम्बल होगे, आप किसी भी चीज को जब प्रोजेक्ट करोगे उसको एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट करोगे, आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे. मैं इतने साल आर्मी में रहा, इतने वेपन्स हैंडल किए, एंड आई वाज गुड एट वेपन हैंडलिंग, मैं कभी एक्सपर्ट नहीं बना, ना मैं आज भी अपने आप को किसी चीज का एक्सपर्ट कहता हूँ, ना डाइट का, ना एक्सरसाइज का, ना स्विमिंग का, ना फ्री फॉल का, ना डाइविंग का, ना वेपन्स का, ना टैक्टिक्स का. बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि इट इज ऑल अबाउट लर्निंग, लाइफ पूरी लाइफ निकल जाती है लर्न करते करते. लेकिन लोग तो भैया इंटरनेट पे पढ़ लिया, इतने ग्रेन्स ऑफ एम्युनिशन डलता है,
और इतने रेंज पे वो फायर होता है, इतना बुलेट ड्रॉप होता है, बन गए एक्सपर्ट, है ना? टैक्टिकल वीडियोस देख लिया बस एक्सपर्ट बन गए, टैक्टिकल बस देख लिया कि ऐसा रिलोड होता है, फास्ट रिलोड, तो तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते? उसका हमारे कॉन्टेक्स्ट में कोई यूटिलिटी है नहीं है, या वो दिखने के लिए अच्छा है, और वो नहीं समझना लोगों को, तो अभी क्या बताएं अभी है? तो ये है असली राइट. ऑल्सो कमेंट्स में बहुत बहुत लोग लिख रहे हैं कि शिफु जी से मतलब क्या इशू है. शिफु जी से कोई इशू नहीं है, मुझे इशू वहां होती है जहां लोग सच नहीं बोलते. शिफु जी बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट होंगे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता. वो जिस भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट को प्रमोट करते हैं या उन्होंने सीखा है, वो बहुत ही आले दर्जे का होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज ओन डोमेन. बट जहां वो मरून बेरे, वो मार्कोस का बैज, पैराशूट रेजिमेंट का बैज लिख के लिखना स्टार्ट कर देते हैं कमांडो इंस्ट्रक्टर, वहां पे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है. मैंने तो जब जितने साल नौकरी की उसमें नहीं पहना टी शर्ट स्पेशल फोर्सेज वाला, ना मैं आज कभी कहीं पहनता हूँ. आप लोगों ने देखा होगा कि बलिदान का कोई टी शर्ट या मैं आज भी नहीं पहनता. मेरे अपने रीजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग मेरे जैसे करें या मैं उनके जैसा करूं या वो सही या मैं गलत हूँ. मेरे कहने का मतलब है जो आपने किया है वो करिए, लोग आपकी इज्जत करेंगे. सिर्फ लाइक्स कमेंट्स फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप कुछ भी बोल जाएं और दुनिया को चूना लगाएं बोल के कि मैं कमांडो ये हूं, मैं वो हूं, मैंने इसको सिखाया, नहीं सिखाया. और जो आदमी हम्बल होगा ना, एक पेड़ की तरह जिसमें फल होगा, वो हमेशा झुका हुआ होगा, जिसमें नॉलेज होगी वो हमेशा हम्बल होगा, शांत होगा, वाना भी नहीं होगा. करेक्ट. तो अनफॉर्चुनेटली उस जैसे आदमी को डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो मिल जाती है, मीटिंग करने का मौका मिल जाता है, वो उसको भी वो अलग तरीके से हाईलाइट करके वो करता है कि मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ जाए, मेरे रेट्स थोड़े. अरे रेट्स बढ़ना इज ओके, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, करिए, बट किसी के ऊपर किसी को प्लेटफॉर्म बना के मत करिए ना झूठ बोल के. करेक्ट, दैट इज रॉन्ग. और मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि सच का सच के साथ रहो, थोड़ा मुश्किल होगा बट जो होगा एक बार ही होगा, दैट इज टू बी अंडरस्टूड. अरे हमारी कैपेबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन मत पूछो यार, कैन पैरा एसएफ ऑपरेट, क्यों नहीं कर सकते हम ऑपरेट? ऐसा एसएएस और नेवी सील क्या ड्रिल करती है जमीन पे जो हम नहीं कर सकते? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इक्विपमेंट प्रोफाइल में. अभी एक एरोप्लेन अगर आपको लेट से 5000 किलोमीटर फ्लाई कर सकती है विदाउट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, तो आप 10,000 किलोमीटर पे जो ऑपरेशन करना है, जो टारगेट है, वहां तो नहीं पहुंच सकते ना आप. तो आप कितने भी ट्रेंड हो, आप वहां पैराड्रॉप नहीं कर सकते. तो बस आ गया डिफरेंस. आप कितने भी ट्रेंड हो, विदाउट अ गुड साइट, 4x जूम, आप 400 मीटर पे टारगेट को 500 मीटर पे एंगेज नहीं कर सकते, आपको टारगेट दिखेगा ही नहीं. और ये चीज आपको दौड़ भाग में, दिन में, शाम को, अर्ली मॉर्निंग, रात को, हर कंडीशन में, यू नो, यू नीड टू लर्न. हाई 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 शील. तो सो थिंग्स बिकम दैट मच मोर डिफिकल्ट. बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेवी सील ने किया, यार हमने नहीं किया. आज से 5 साल पहले लोग जानते नहीं थे पैरासेफ को ठीक से, 10 साल पहले उरी बनी एंड बूम एवरीबडी वांटेड टू नो कि पैरासेफ क्या कर रही है, क्या कर रही है. सो इट इज ऑल अबाउट यू नो पीआर, कि आप उसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं. बट एट द सेम टाइम आई बिलीव उस प्रोजेक्शन में हमें सच्चाई या असलियत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. द डे यू बिलीव यू आर मिस्टर परफेक्ट, यू नो एवरीथिंग, यू बिकम रिडंडेंट, आपका लर्निंग कर्व वहीं स्टॉप हो जाएगा, आप कभी इवॉल्व नहीं हो पाओगे. तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कमी है. मैं जैसे मैं मुझे पता है मेरी रनिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है. सो दैट इज ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट एंड अग्री कि देयर इज समथिंग टू लर्न विल यू इवॉल्व. जहां आपने बोल दी आई नो इट ऑल, आई कैन डू इट ऑल, फिर तो खत्म हो गया ना सीखना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. अब मेरा तो अभी मोस्ट ऑफ यू who are following me are my juniors in terms of age. आप एज में मेरे से छोटे हैं. मेरा काम किसी को गलत दिशा में प्रोपेल करना नहीं है. आप जिंदगी में आगे जाके क्या बनेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, वो आपकी मेहनत, आपकी किस्मत ले जाएगी.
लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि भाई ये सब गलतियां हमसे हुई हैं, आप ये गलतियां रिपीट ना करें, आप कोई नई गलती करें, आप हमारी गलतियों से सीखें, आप हमारे एक्सपीरियंसेस से सीखें, जो चीज अच्छी लगती है उसको करो, जो नहीं लगती छोड़ दो, हाउ डज इट मैटर, लेकिन यू टू अंडरस्टैंड दोज फैक्टर्स, है ना। तो आई थिंक मैंने ज्यादा ज्ञान दे दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों को जानना है ये सब। So, मैं जनरली यू नो आई डोंट लाइक कमेंटिंग ऑन पीपल ऐसे वैसे, यू नो आई एम गोइंग टू मेक अ मूवी रिव्यू, आई विल नॉट टेल द नेम, आई थिंक मंडे रिलीज हो जाएगा वो यूट्यूब पे, तो आप लोग देख। यस गाइस, सो फाइ हां गियर्स में तो वी आर लॉन्चिंग ओनली द टी-शर्ट्स फर्स्ट, SFY भी मिल जाएगा, YouTube पे मिल जाएगा, लॉन्चिंग T-shirts only first, one product at a time, you know, उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि deliberate, I mean focus करके अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको मैं कर रहा हूँ, मेरा personal project है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको जल्दबाजी में कहीं से बस करके और you know release कर दूँ, पहले T-shirts release करूँगा, फिर tactical pants आएंगे, you know, again civilian आप खरीदना चाहते हैं, यू कैन, somebody who's in the military wants to buy, again very 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 doable, आप कर सकते हैं, बट जो बनाऊंगा फिर वो उस स्टैंडर्ड का बनेगा, ऐसे स्टैंडर्ड का बनेगा, दैट इज माई विजन, है ना। और क्या, और क्या, और बताओ अभिनंदन, कुछ और सवाल जवाब बाकी रह गए हो तो? बाकी इनका मैं देख रहा हूँ, what are your thoughts on insas rifle and wo fail kyun, why did the insas rifle fail? insas rifle kahan hai, insas rifle kahan hai, 30-20 rounds ka magazine hai, ek magazine pura fire kar nahi sakta, bhari hai, center of gravity aisa hai ki aap se recoil control nahi hoga, double tap fire kar nahi sakte, attachment laga nahi sakte, insas rifle mein sirf butt se mara ja sakta hai, aise jo धावा प्रैक्टिस करते हैं ना, धावा प्रैक्टिस, उसमें बेनेट लगा के ऐसे कटिंग और घोप निकाल और बट, यही यही काम हो सकता है इंसास राइफल में, और सेरेमोनियल लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं, हाँ सेरेमोनियल, ओ सलामी शस्त्र दे, लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं बनाया इंसास राइफल, है ना, ओवर प्रोनेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? सागर बड़ी, अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास या कायरोप्रैक्टिशनर के पास, वो आपको बताएगा कि यू नो कैसे करना है इस प्रॉब्लम को ठीक, मेरे मतलब आई मीन आई एम नॉट द गाय हु कैन आंसर। और बताओ, न्यूक्लियर वॉर हो भी जाएगा तो तुम्हारे तक रेडिएशन नहीं पहुंचेगा, मेटा जोन गेमिंग 10, है ना, तुम यू विल बी कोजी in your blanket, under your blanket, on your bed, so don't worry. और बताओ, बोल रहे हैं सब सेव कर देना, लाइव हां सेव कर देंगे, ये विल सेव, हां सेव सेव कर देंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, सेव करेंगे, मैं सोचा कि थोड़ा आज टाई वाई पहन के माहौल बना था, बात कर लेता हूं, देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं, एंड इट्स ओके यार, मतलब पीपल आर देयर, करण भी आ गया आज, बताओ, अंडर आर्मर भाई, यू नो गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर चोपड़ा इज द ब्रांड एम्बेसडर, है ना। अच्छा, the guy who ran the ultra marathon, नहीं रे, javelin thrower, और अच्छा नीरज चोपड़ा, वो तो नीरज चोपड़ा यार, चोपड़ा ही इज द ब्रांड एम्बेसडर, दो मैं अंडर आर्मर पहन 2016 से रहा हूं, मैं आई एम वेयरिंग अंडर आर्मर 2016 से, तब तो इंडिया में जानते भी नहीं थे लोग, खैर, बट ही इज द एम्बेसडर, आई मीन कंसीडरिंग हिज अचीवमेंट, सुबेदार गार चोपड़ा, गार्मिन वॉच का प्राइस पूछ रहे हैं आप जो पहने, ये तो मिलिट्री वर्जन है, ये तो इसमें सिर्फ बैलिस्टिक कंप्यूटर नहीं था, तो
ये तो लगभग 1,00,000 रुपए का पड़ा था मुझे, तो बाकी तो जो रनिंग वाले हैं वो तो आई थिंक 30-40 में मिल जाते हैं। ये फिनिक्स 6 का इक्विवेलेंट था, दिस इज टैक्टिक्स डेल्टा, ये सफायर भी है, सोलर भी है, नाइट विजन एनेबल्ड भी, आई मीन विजन एज इन नाइट विजन में भी दिखेगा, एंड टन्स ऑफ फीचर्स, टन्स ऑफ फीचर्स। एक घंटे का इसी का रिव्यू बनेगा अगर इसको मैं समझाऊं तो। भाई ऐसा मत बोलो, बंदे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया नीरज भाई, तो मैंने और क्या बोला, हमने कुछ बोला ही नहीं। सुबेदार नीरज, अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, सुबेदार नीरज चोपड़ा इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अंडर आर्मर, और क्या गलत बोला मैंने, हिंदी में ही बोला मैंने, क्या समझ में नहीं आया इसमें। हाँ, एंड मैंने ये बोला कि वो सही एम्बेसडर है ब्रांड का, बिकॉज उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो सभी से ऊपर हैं, तो वो जो एम्बेसडर है वो सही एम्बेसडर है, तो इसमें क्या गलत बोला मैंने। वही वही परसेप्शन, समझने में भूल हो जाती है और लोग कुछ का कुछ बना देते हैं। एनीवेज, आई थिंक अभी के लिए वी हैड एनफ ऑफ कॉन्वर्सेशंस, हम ऐसी बातचीत करते रहेंगे। How to handle when someone powerful politician type people create problems in villages? भाई देखो ये civil administration के problems का मैं क्या जवाब दूँ? Social media is the biggest weapon. Social media में आप expose करिए लोगों को, videos upload करिए। I think आज के ज़माने में उससे powerful tool और कोई नहीं है। Range and recoil of AK-47 has sizable recoil. Recoil जो कंसिडरेशन है, आई थिंक जब AK बन रहा था उसमें बहुत बड़ा कंसिडरेशन नहीं था। रिकॉइल को कंट्रोल किया जा सकता है, किया जा सकता है ट्रेनिंग से, अटैचमेंट से, बट उस टाइम जो प्राइमरी चीज थी जब AK-47 बन रही थी उस टाइम था ऑटोमेटिक फायर करने वाला वेपन चाहिए था जो रिलायबल हो, रशियन विंटर्स में काम करे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक वेपन का जेनेसिस क्या हुआ। रेंज AK-47 का जो बोला जाता है वो 300 मीटर है, बट जैसे मैंने बताया 300 मीटर पे आपको टारगेट ही दिखना बंद हो जाता है, तो ये मानिए कि 200 मीटर से नजदीक ही टारगेट को एंगेज किया जाता है। कन्वेंशनल लड़ाई में भी बोला जरूर जाता है 400 मीटर पे हम करेंगे, लेकिन दिखता कुछ नहीं है, तो गोलियां कौन वेस्ट करना चाहेगा जब आपके पास लिमिटेड गोलियां हैं, 150 राउंड्स है, कौन चाहेगा वेस्ट करना उस रेंज पे एंगेज करने पे जो आपको टारगेट दिख नहीं रहा है, वो दौड़ के आ रहा है। सो मेनी पैरामीटर्स, बताओ लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बता बता पूछा जा रहा है। बता बता। तो ही इज आस्किंग योर व्यूज अबाउट द रीसेंट कन्वर्जन ऑफ एयरबोर्न यूनिट्स, एयरबोर्न रेजिमेंट्स इनटू एसएफ रेजिमेंट्स। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखो इट्स अ बिग टॉपिक, नेक्स्ट लाइव सेशन पे आई विल टेक ऑन दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगेन मैं हमेशा यही बोलता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रेज करना या कन्वर्ट करना हैज टू डू विद द मैंडेट। आप काम क्या करवाना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वो क्या था वो बियर बाइस TRS क्लिप्स पे I spoke something on the mafia thing. It had nothing to do with Daud Ibrahim. It was a very open-ended question कि अगर कोई माफिया है, मान लीजिए यूपी में कोई माफिया है, XYZ स्टेट में कोई माफिया है, तो क्या स्पेशल फोर्सेस को जाना चाहिए? The question was like this, but the way it was played कि मैं दाऊद इब्राहिम के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोल रहा हूँ, it was not specific. अगर मुझे स्पेसिफिक जवाब सवाल पूछा गया होता तो मैं स्पेसिफिक जवाब दिया, मैंने दिया होता कि हाँ दाऊद इब्राहिम को क्या करने के लिए एसएफ की एम्प्लॉयमेंट कैसी होनी चाहिए थी। सो यू टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ देती है। मैंने बोला कुछ और असॉल्ट राइफल्स के बारे में, आया इतना सा पार्ट, उसका लोगों ने कुछ और मीनिंग बनाया। मैंने बोला ऑर्गेनाइज क्राइम या माफिया के बारे में कुछ और, उसको फिर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में तोड़ बनाड़ के कुछ और बताया गया। सो मैं कैसे कितने लोगों को बताऊं कि मैंने ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस सिनेरियो में नहीं बोला। सो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एयरबॉर्न को एसएस बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, अगेन यू हैव टू गो टू द बेसिक्स, आप काम क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि लोग तो यहाँ भी ट्रेंड है वहां भी ट्रेंड है और ट्रेन कराए भी जा सकते हैं बिकॉज दे आर फिजिकली गुड, दे हैव गॉट गुड IQ, दे हैव गॉट गुड स्किल्स एयरबॉर्न वाले, तो अगर आपको एसएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या वो किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। कितना टाइम लगेगा, क्या इक्विपमेंट लगेगा और क्या एक्स्ट्रा स्किल सिखाना है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट इसका एक्चुअल रीजन इज नॉट द टास्किंग, द एक्चुअल रीजन इज द बजटिंग।
ये सब जो किया जा रहा है, इट इज समथिंग टू डू विद मनी, फाइनेंस, दैट इज द सॉरी पार्ट. अब लोग कहेंगे कि ये पैसा बचेगा तो हम यू नो विल गेट वेरी वेरी गुड इक्विपमेंट. इक्विपमेंट का अच्छा होना भी जरूरी है, मैन पावर का भी ट्रेंड और रिलायबल होना जरूरी है. लाइफ में हर चीज का जो कोर है, इट इज बैलेंस. आपको अगर मैं एक गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स भर दूं तो इतना महंगा हो जाएगा कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और एक गाड़ी को अगर बहुत ही अफोर्डेबल रखूं तो आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे. सो दैट इज टू बी अंडरस्टूड. अगर 5-10 साल में हमारा अपग्रेडेशन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं होगा तो आई डोंट नो वो पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है, कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, गॉड नो. तो लेट्स सी, लेट्स होप कि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट आए. हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में ही नहीं, टॉप 5 वेल इक्विप्ड मिलिट्रीज में भी काउंट हों. लार्जेस्ट में कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है. बहादुरी तब होगी जब वो लार्ज के साथ साथ प्रॉपरली इक्विप्ड होगा, तब यू विल बी देयर. सो दैट इज माय व्यू. चलो, सो गाइस, जो सबसे बड़ा एग्जांपल जो है, नेक्स्ट मिल ट्राई दिख गया हर है. श्योर 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 कोई बोलो बोलो आशु बोलो, मेरा हो गया. सो जो अविनाश सर जो बता रहे थे इक्विपमेंट और ट्रेनिंग वाइज, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसमें आपने देख लिया रशियन आर्मी क्या हालत हो रही है, तो आपको सही आइडिया हो जाएगा. इनफैक्ट आप अजरबैजान और आर्मेनिया का भी वॉर स्टडी कर सकते हैं, अफगानिस्तान में यूएस के साथ क्या हुआ उसको स्टडी कर सकते हैं, माउंटेन्स में टेक्नोलॉजी कितनी यूजफुल थी, उनके A-10 वॉरथॉक्स कितने सक्सेसफुल थे, उनके LGVs कितनी सक्सेसफुल थी, यू नो उनके आर्मर्ड व्हीकल्स कितने सक्सेसफुल थे जिनसे लड़ रहे थे वो, है ना. और अभी क्या हो रहा है यूक्रेन में, कितनी बड़ी फौज है, कितने इक्विपमेंट्स हैं. अगर आप इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप खुद समझने लगेंगे कि आपको बताया क्या जा रहा है और एक्चुअली हो क्या रहा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, आई विल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू पीपल जो भी यहाँ लाइव सेशन में थे और वेले थे, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई दे वर ऑन माय लाइव सेशन. कुछ तो इसमें ऐसा खास था नहीं, बट आई एम एनीवेज आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड हेल्पफुल. जोक्स अपार्ट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सच सेशंस जिसमें जनरिक क्वेश्चंस पूछे जाएं, हम व्यूज शेयर कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें. सो जय हिंद एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. एंड आशु, लेट्स मीट अप फॉर अ यस श्योर beer session outside your room. Sure. Ashu is in Kolkata. People, you can catch up on him. He is in Kolkata. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Odia bhai manuku Jai Jagannath. Chalo. Bye bye. Save kar dena, sir. Save kar dena. Haan.